हेलो बच्चों, हेलो गाइस, हेलो स्टूडेंट्स। तो चलो बेटा, हम दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है ना इंग्लिश सीखने की, उससे इंग्लिश सीखते हैं। ओके, एसेंशियल इंग्लिश ग्रामर। और आज इसमें सीखेंगे हम देयर का यूज़। किसका? देयर का यूज़ सीखेंगे। बहुत प्यारा यूज़ दे रखा है। तो पहले इस किताब के बारे में बता दूं, ये सेल्फ स्टडी रेफरेंस बुक है। इसे अपना आप भी पढ़ सकते हैं। रेफरेंस बुक यानी कि आपके पास जब मर्जी चाहे इसे यूज़ कर सकते हो। किसी टॉपिक पर अगर आपको ढूंढ रहे हैं, कुछ भी टॉपिक पर ढूंढ रहे हैं, जैसे देन का यूज़ देखना है, दैट का यूज़ देखना है, कुछ भी टेंसेस वगैरह सीख रहे हैं, तो आप अलग अलग पेज पर जाकर के इसमें सीख सकते हैं। कोई भी टॉपिक आपके मन में, मोस्ट हो गया, मोस्टली हो गया, मैनी हो गया, ईच हो गया, ठीक है, अकड़म बकड़म कुछ भी हो गया, तो आप ढूंढ सकते हैं इसमें से। और आप इसे अपने आप पढ़ करके, सेल्फ स्टडी वाली बुक है, प्रैक्टिस भी है। एक पेज पे समझा रखा है, एक पेज पे एक्सरसाइज है, और एंड में भी एक्सरसाइज दे रखी है, सबके आंसर्स भी दे रखे हैं, सबके आंसर्स भी दे रखे हैं, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। रेमंड मर्फी साहब की बुक है, आपने सेकंड एडिशन लेना है। सेकंड एडिशन खुद किताब पढ़ोगे तो और भी ज़्यादा आसान लगेगा, मेरे समझाने के बाद अगर आप किताब पढ़ोगे तो बहुत आसान लगेगा। कैम्ब्रिज की बुक है, ले लेना मेरे प्यारे बच्चों, और कंडीशन में ले लिए बहुत सारा। ये अगर आप पैसे बचाना चाहते हैं, माँ बाप के पैसे बचाना चाहते हैं, ऑफलाइन कोर्स वोर्स कुछ मत लो, किसी भी एग्जाम में काम आ जाएगा, किसी भी एग्जाम में काम, एसएससी वगैरह अगड़म बगड़म कुछ भी एग्जाम हो तुम्हारा, ठीक है। तो चलो देर का इस्तेमाल करते हैं। और इससे पहले मैंने एक वीडियो बना दिया आपका देर का, उससे भी देख लेना, बोलते बोलते ही आ जाएगा आपको। मैंने कन्वर्सेशन वे में समझाया हुआ है, यहाँ पर एक्सप्लेन कर रहा हूँ, फिर अगले इसमें एक्सरसाइज करेंगे। ओके, तो मेरे प्यारे बच्चों चलो शुरू करते हैं। देखो देयर का प्रयोग कहाँ पर होता है बेटा? देयर का प्रयोग होता है जब आपको ये बताना पड़ता है कि कोई चीज़ कहीं पर है, कहीं पर कोई चीज़ है। ओके, और एक ही चीज़ है तो इज लगाएंगे, और एक से ज़्यादा चीज़ें तो आर लगा देंगे देयर के बाद। वैसे देयर का मतलब वहाँ होता है, लेकिन यहाँ पर देयर का मतलब वहाँ नहीं है। ओके, देयर तो सिर्फ सब्जेक्ट के तौर पर यूज होता है। ओके, तो यहाँ पर हम कहेंगे देखो जैसे कि इसमें देखो इसमें देयर इज अ मैन, देयर इज़ है बेटा, There is a man on the roof. There is a man on the roof. क्या? जल्दी से बोलो. There is a man on the roof. एक आदमी हैगा छत पर. और वैसे is है ये. There is a man on the roof. तो आप इसको short form में बोलते हैं. There is a man on the roof. There is a man on the roof. छत पर एक आदमी है. अगर दो आदमी होते तो क्या लगाते बेटा? R लगाते. ओके? यही तो बता रहा था. There are का प्रयोग. अगर एक चीज होगी, ठीक है, वो चीज़ बाद में आ जाएगी, ठीक है, और सिंगुलर इज का प्रयोग होगा, और एक से ज़्यादा चीज़ होगी तो आर का प्रयोग होगा, और वो चीज़ बाद में आ जाएगी। आगे देखो, जैसे जहाँ पर देखो, जे मैं आ मैन था तो इज लगा दिया, टू मैन होता तो या टू बॉयज होते तो क्या लगता? आर लग जाता। देर इज़ अ मैन ऑन द रूफ, एक आदमी है छत पर। देर इज़ अ ट्रेन एट 10:30, अच्छा शेड्यूल, कोई आपका जो टाइम टेबल होता है, स्कूल का टाइम टेबल, तुम्हारा रेलवे स्टेशन का टाइम टेबल, कुछ भी आपका, तो आप तब भी देर का प्रयोग करते हैं। देर इज़ अ ट्रेन एट 10:30, 10:30 बजे एक ट्रेन है, 10:30 बजे एक ट्रेन है, कह रहा है देर इज़ अ ट्रेन एट 10:30, 10:30 बजे एक ट्रेन है, तो एक ट्रेन है तो इज लग गया, एक से ज़्यादा होता तो बेटा क्या कर देते? आर लगा देते। क्या रहा? देर आर टू ट्रेन्स एट 10:30, 10:30 भाई दो ट्रेन आएंगी, दो ट्रेन जाती हैं। देर आर टू ट्रेन्स एट 10:30, दो ट्रेन आएंगी भाई 10:30 बजे। अच्छा आगे देखो, ये रहा कहीं पर, जैसे एक हफ्ते में 7 दिन होते तो देर आर 7 डेज इन अ वीक, देर आर 7 डेज, तो 7 डेज की वजह से आर लग गया मेरे प्यारे बच्चे, 7 डेज हैं तो इसलिए आर लग गया, एक दिन होता तो इज लगता। ओके, तो जैसे क्लास में एक लड़का है तो क्या कहते? देर इज अ बॉय इन द क्लास रूम, देर इज अ बॉय, देर लगाते फिर इज लगाते लड़के के हिसाब से, देर इज अ बॉय इन द क्लासरूम, क्लासरूम में एक लड़का है, लेकिन यहाँ पर एक से ज़्यादा है दिन, तो इसलिए आर लग गया। देर आर सेवन डेज इन अ वीक, एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, अच्छा कहता है इसमें, अब देख लो जरा कितनी प्यारी बुक है, देखो देर इज, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में देर इज कोशा बनाना है तो इज शुरू में लगा देंगे, सिंगुलर के साथ आपने जो इज का प्रयोग करना है, इसके सिंगुलर के साथ इसका प्रयोग करना है, तो देर इज, ठीक है, और वो नाउन आ जाएगी सिंगुलर, शॉर्ट फॉर्म में आप देर इज कह सकते हो, कोशा बनाना तो इज शुरू में आ जाएगा, देर से पहले हिंदी कहते शुरू हो जाएगी, और वॉट वैन वाई वगैरह होंगे ना, हाउ मैनी वी हाउ, ठीक है ना, अगर आपको संख्या जब पूछनी होती तो हाउ मैनी का प्रयोग करोगे, क्या हाउ मैनी, और मात्रा पूछनी हो कितनी तो हाउ मच, बस ध्यान कर लो इतना, संख्या पूछनी तो क्या लगाओगे? हाउ मैनी, ठीक है, और मात्रा पूछनी हो तो हाउ मच, इससे पहले वाली वीडियो देख लेना उसके अंदर, ठीक है, और मैं डिस्क्रिप्शन में और डाल दूंगा, बोलते बोलते ही आ जाएगा तुम्हें यूज़ तो उसका। आगे देखो, देर इज़ नॉट, नेगेटिव जब बनाना तो इसके बाद नॉट लगा देना, शॉर्ट फॉर्म क्या होगी? देर इजंट, या फिर देर इज़ नॉट,
देर इज़ नॉट, दोनों में से मैं तो ये वाला यूज़ ज़्यादा करता हूँ, आप ऐसे ही बोल सकते हैं देर इज़ नॉट। ओके तो रेडी, चलो शुरू करते हैं। और प्लूरल में क्या आएगा, देखो प्लूरल में क्या आएगा, देर आर, देर के साथ आर आ जाएगा। क्वेश्चन बनाना है, प्लूरल नाउन होंगी और वो नाउन उसके बाद लग जाएगी, ठीक है। और क्वेश्चन बनाना आर शुरू में लगा दो, देर से पहले हिंदी कहते शुरू हो जाएगी। और हाउ मैनी हाउ मच होंगे, हाउ मैनी हाउ मच होंगे वो पहले ही लग जाएंगे। ओके ओके और व्हाट वाई वगैरह जो भी प्रश्नवाचक शब्द है वो शुरू में लग जाएगा। हमें पता है क्वेश्चन बनाने का तरीका क्या होता है, प्रश्नवाचक चिन्ह सबसे आगे लगते हैं, दैट्स ऑल। अच्छा देर आर नॉट नेगेटिव लगाना था, आर के बाद नॉट लग जाएगा, शॉर्ट फॉर्म होगी देर आरंट, देर आ देर आरंट आरंट आरंट। अब जरा पढ़े देखो, ये सिंगुलर वाले इसने यहाँ एग्जाम्पल दे दिए, क्वेश्चन वगैरह भी बना दिए। तो देर इज़ अ बिग ट्री इन द गार्डन, देर इज एक पेड़ है, एक पेड़ है तो इज लग गया। देर इज़ अ बिग ट्री, देर इज़ अ बिग ट्री इन द गार्डन, देर इज़ अ बिग ट्री इन द गार्डन, गार्डन में एक बड़ा पेड़ है और यहाँ पर एक से ज़्यादा पेड़ है तो बेटा आर लग गया। देर आर सम बिग ट्रीज इन द गार्डन, गार्डन में कुछ बड़े पेड़ हैं, तो जब बिग ट्रीज बहुवचन में आ गया तो आर लग गया देर के साथ, ठीक है। दोबारा देखो, देर इज़ अ बिग ट्री इन द गार्डन, गार्डन में एक पेड़ हैगा, एक पेड़ था तो इज लग गया और एक से ज़्यादा पेड़ है तो आर, तो समझ में आ गया। जब समझ में आ गया आर कब लगाएंगे, जब प्लूरल होगा, सिंगुलर कब लगाएंगे, जब सॉरी इज का कब लगाएंगे, जब सिंगुलर होगा। तो देर इज़ अ बिग ट्री इन द गार्डन, गार्डन में एक बड़ा पेड़ है, देर आर सम बिग गार्डन्स इन द बिग ट्री, देर इज़ अ बिग ट्री इन द गार्डन, गार्डन में एक बड़ा पेड़ है, देर आर सम बिग ट्रीज इन द गार्डन, गार्डन में कुछ बड़े पेड़ हैं, कुछ बड़े पेड़ हैं। आगे देर इज़ अ गुड फिल्म ऑन टी वी टू नाइट, देर इज़ अ गुड फिल्म, एक फिल्म है, देर इज़ अ गुड फिल्म ऑन टी वी टू नाइट, एक अच्छी फिल्म आ रही है टी वी पर आज रात। ओके देर आर अ लॉट, देर इज देर देर इज़ अ गुड फिल्म ऑन टी वी टू नाइट, एक अच्छी फिल्म आ रही है टी वी पर, तो एक फिल्म थी तो इज लग गया। अगर अच्छी दो फिल्में होती एक से ज़्यादा होती तो आर लग जाता। देर आर मैनी गुड फिल्म ऑन टी वी टू नाइट, आज टी वी पर कई फिल्में, बहुत सारी फिल्में आ रही हैं। ओके देर आर ओके देर आर मैनी गुड फिल्म्स ऑन टी वी टू नाइट, क्या देर आर ये सम लगा दो, देर आर सम गुड फिल्म्स ऑन टी वी टू नाइट, रिपीट करो, देर आर प्लूरल के हिसाब से, देर आर सम गुड फिल्म्स ऑन टी वी टू नाइट, बहुवचन के साथ आर लगाओगे। दोबारा बोलो, देर आर सम इसके एक फिल्म है तो इज लगा दिए, वैसे बहुवचन के साथ आर। दोबारा बोल रहा हूँ, बोलते बोलते कभी कभी मैं भी कन्फ्यूज हो जाता हूँ ना। देखो देर आर सम गुड फिल्म्स ऑन टी वी टू नाइट, आज टी वी पर कुछ अच्छी फिल्में आ रही हैं। अच्छा कहते हैव यू गॉट, यहाँ पर एक आर का एग्जाम्पल यहाँ दिए, देर आर अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन दिस रोड, इस रोड पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। देर आर अ लॉट ऑफ, तो आ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स की बात हो रही, प्लूरल की बात हो रही, तो इसलिए आर लगा दिए इसने। देर आर अ लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स ऑन दिस रोड, इस रोड पर बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते हैं। समझ में आ गया, बहुत सारे लॉट ऑफ एक्सीडेंट्स की बात हो रही, प्लूरल की बात हो रही, तो इसलिए आर लगा दिया। ओके सिंगुलर होता तो क्या लगता, इज। आगे देखो वाला, नेक्स्ट वाला, हैव यू गॉट एनी मनी, हैव यू गॉट एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। हैव यू गॉट ए पूछता है, हैव यू गॉट एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे हैं। बी कहता है यस, हाँ देर इज सम इन माई बैग, हाँ कुछ पड़े हैं मेरी बैग में। बेटा पैसे जो है ना अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, तो काउन वगैरह, सिक्के वगैरह, नोट वगैरह, ये आपका प्लूरल होते हैं, ये आप इसके इनके साथ आर लगेगा, लेकिन यहाँ मनी वाली बात आई तो इज लगेगा। तो को पैसे की बात कर रहा है ना कि हैव यू गॉट एनी मनी, क्या तुम्हारे पास कुछ पैसे पड़े। बी कहता है यस, देखो ये सेंटेंस याद कर लेना, हैव यू गॉट एनी मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे पड़े। बी कहता है यस देर इज सम इन माई बैग, हाँ बैग में कुछ पड़े हैं कुछ, देर इज सम इन माई बैग, तो इज लग गया। ये क्या है, इज है, देर इज सम इन माई बैग, हाँ कुछ पड़े मेरी जेब में। मनी अनकाउंटेबल नाउन होती है, उसको गिनते नहीं है, इसलिए इज लगा है। यस देर इज सम इन माई बैग, हाँ मेरे बैग में कुछ पड़े हैं। आगे कहता है, वो कहता है आर देयर, कहता है आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी टुडे, क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। तो देखो लेटर्स के हिसाब से आर लग गया, और आर कहाँ आ रहा, देर से भी पहले, देर से भी, ये बता रखा है ना क्वेश्चन कैसे बनाना बेटा, आप इज और आर जो है शुरू में लगा देंगे, हिंदी कहते शुरू हो जाएगी, तो आर लगा दिया। ये बोलता है आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी टुडे, आर देयर एनी लेटर्स फॉर मी टुडे, क्या मेरे लिए कोई लेटर आया है। बी बोलता है यस देर आर, हाँ आए हैं, यस देर आर, हाँ आए हैं, नो देर आरंट, नहीं तो, तो निगेटिव बनाना है, तो हाँ कहना है, हाँ आएंगे तो देर आर, और नहीं मना करना, नो नहीं है, तो देर आरंट, देर आर, कहीं पर कोई चीज़ पूछे, कहीं पर कोई चीज़ है तो आपको बताना हाँ है, वहाँ पर स्टूडेंट है, वहाँ पर
ठीक है, पेन पड़े हैं वहाँ पर, तो देर आर, येस देर आर, मना करना है तो दे, नो देर आर, नहीं तो। अच्छा यहाँ पर देखो, एक्सक्यूज़ मी, एक बोलता है एक्सक्यूज़ मी इज़ देर आर होटल नियर हियर, क्या यहाँ पर आसपास कोई होटल है, आ होटल है तो इज़ लग गया, और इज़ कहाँ आ रहा है, देर से पहले, इज़ कहाँ आ रहा है, देर से पहले, बिल्कुल सिंपल है। तो एक्सक्यूज़ मी इज़ देर आर होटल नियर हियर, क्या यहाँ पर एक होटल है, तो आप अपने हिसाब से चेंज करके करके बोलोगे, इज़ देर आर वो बाथरूम नियर हियर, क्या यहाँ पर कोई बाथरूम है, इज़ देर आर टॉयलेट नियर हियर, क्या यहाँ पर टॉयलेट है, इज़ देर आ बारात घर नियर हियर, इज़ देर आ बारात घर, आप पार्टी में गए, आपको बारात, आपको क्या भाई कार्ड दे दिया, बारात घर वहाँ के एरिया का बारात घर दे दिया, कम्युनिटी सेंटर दे दिया, ठीक है ना, तो आपके कम्युनिटी हॉल दे दिया, तो कह रहे भाई ऐसा है क्या, आप पूछ रहे इज़ देयर ओके, इज़ देयर आप कुछ भी बोल दिया, इज़ देयर आप बारात घर नियर हेयर, क्या यहाँ पर आसपास बारात है, इज़ देयर आ कैमी शॉप नियर हेयर, क्या यहाँ पर कैमी शॉप है, इज़ देयर कुछ भी बोल दिया, इज़ देयर आ बैंक नियर हेयर, इज़ देयर आ बैंक नियर हेयर, क्या यहाँ पर आसपास बैंक है, हाँ है, यस देयर इज़ सिंगुलर है, आ हो तो इज़ लग गया, और एक से ज़्यादा होता तो आ लग जाता, यस देयर इज़ हाँ है, यस देयर हाँ है, एक बैंक है, नो देयर इज़न्ट, नहीं तो, मना करना है तो नहीं है, ये सिंगुलर के लिए, किसके लिए, सिंगुलर के लिए। वी कान गो स्कीइंग, अच्छा यहाँ पर देखो, यहाँ पर हम देखें इसके अंदर ये, ओके यहाँ पर देखो, दिस रेस्टोरेंट इज़ वेरी क्वाइट, ये रेस्टोरेंट बहुत शांत है, There aren't many people here. यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं है, तो many people जब दे दिए तो aren't लग गया, There aren't many people here. यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं, यहाँ पर ज़्यादा लोग there aren't, बेटा many people है ना, तो aren't लग गया, ओके सिंगुलर होता तो there isn't पर लगता, ठीक है, तो हमें पता है, अब तो पता लग गया, दिस रेस्टोरेंट इज़ वेरी क्वाइट, ये रेस्टोरेंट बहुत शांत है, मतलब यहाँ पर बड़ी शांति है भाई, इस रेस्टोरेंट में तो बड़ी शांति है, There aren't many people here. यहाँ पर ज़्यादा लोग नहीं हैं। अच्छा आगे देखो, हाउ आज ये कहता है, वी कांट गो स्कीइंग, स्कीइंग होता है ना एक वो होता है जो बर्फ़ फिसलते हैं, पच्ची लगा करके, पट्टी सी लगा करके, ठीक है, वी कांट गो स्कीइंग, हम बर्फ़ पे नहीं चल सकते, देर इजंट एनी स्नो, बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, देर इजंट एनी स्नो, बिल्कुल भी बर्फ़ नहीं है, देर इजंट एनी स्नो, बिल्कुल भी बर्फ नहीं है, तो अनकाउंटेबल आउन होती है स्नो, बर्फ, इसलिए इज लग गया है, ठीक है ना, तो निगेटिव बनाने के लिए नॉट लगा दिया, देर इजंट एनी स्नो, बिल्कुल भी बर्फ नहीं है, देर इजंट एनी वाटर, बिल्कुल पानी नहीं है, देर इजंट एनी मिल्क, बिल्कुल दूध नहीं है, देर इजंट एनी मनी, कुछ भी पैसे नहीं है, देर इजंट एनी सब्जी, सब कोई बिल्कुल सब्जी है, देर इजंट एनी राइस, कुछ भी बिल्कुल भी चावल नहीं है, ऐसे बोलोगे आप, ठीक है ना, ओके तो यहाँ पर आगे कहता है, अच्छा क्वेश्चन बनाना है तो आप हाउ मैनी लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, और हाउ मैनी जो भी आपने चीज़ है, हाउ मैनी प्लेयर्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, तो ये एक साथ आएंगे, और मात्रा के लिए हाउ मच लगाते हैं आप, क्या इसके लिए मात्रा के लिए, तो हाउ मच वाला यूज़ पहले वीडियो में देख लेना, इससे पहले हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ फुटबॉल टीम, हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन अ फुटबॉल टीम, तो पहले देयर लगाना है, देखो प्लेयर्स की बात हो रही है तो इसलिए आर लग गया, तो हाउ मैनी के साथ, तो हमेशा हाउ मैनी के साथ हमेशा क्या आता है, जो भी नाउन आएगी प्लूरल आएगी, दोबारा बोल रहा हूँ, हाउ मैनी के साथ जो भी आएगा तो प्लूरल नाउन आएगी, हाउ मैनी प्लेयर्स, हाउ मैनी बॉयज, हाउ मैनी बुक्स, हाउ मैनी कप्स, हाउ मैनी टी, ठीक है, टी कप्स, हाउ मैनी पेंस, हाउ मैनी पेंसिल्स, हाउ मैनी फोन्स, हाउ मैनी स्टूडेंट्स, हाउ मैनी बरातीज, हाउ मैनी घरातीज, हाउ मैनी चुड़ैल, हाउ मैनी भूत, ठीक है ना, तो आप बना देना, हाउ मेनी प्लेयर्स आर देयर इन फुटबॉल टीम, फुटबॉल टीम में कितने प्लेयर्स होते हैं, ओके अगर आपने पूछना है आपकी फैमिली में कितने मेंबर हैं, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, रिपीट करो, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, हाउ मेनी मेंबर्स आर देयर इन योर फैमिली, तुम्हारी फैमिली में कितने मेंबर हैं, तुम्हारे बैग में कितने पेन हैं, तुम्हारे बैग में कितने पेन हैं, हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन योर बैग, हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन योर बैग, हाउ मेनी पेन्स आर देयर इन योर बैग, आपके बैग में कितने पेन हैं, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, कैसे कहोगे क्लास में कितने स्टूडेंट हैं, हाउ मेनी स्टूडेंट्स आर देयर इन द क्लासरूम, 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 क्लासरूम में कितने बच्चे हैं, और मात्रा के लिए पूछ रहा हूँ तो इज लगेगा, हाउ मच मिल्क अनकाउंटेबल, अनकाउंटेबल जो तोल जो है ना तोलने वाली चीज़ होती है जिसे गिन नहीं सकते तो मच लगाते हैं उसके, हाउ मच राइस
इज देयर, हाउ मच राइस इज देयर लेफ्ट, कितने चावल बचे हैं, ठीक है। अच्छा हम तो सिंपल बनाते हैं, हाउ मच राइस इज देयर इन द ओके इन द बोल, ठीक है। तो कटोरे में कितने वो हैं, हाउ मच मिल्क इज देयर इन द जग, कितना दूध है, तो हाउ मच के साथ वो अनकाउंटेबल नाउन लगा देना, ठीक है, वो लग जाएगा, कहो कभी और देख लेंगे कभी। अच्छा देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम, हाउ देयर देयर आर 11, देखो कहते हैं देयर आर 11 प्लेयर्स इन अ फुटबॉल टीम, एक फुटबॉल टीम में 11 प्लेयर्स होते हैं, तो ठीक है। अब हमारे पास ये आ गया, एक बार को मैं रिपीट थोड़ा सा करवा दूँ, देर इज़ अ बिग, ठीक है ना, देर इज़ अ बिग ट्री इन द गार्डन, गार्डन में एक बड़ा पेड़ है, देर इज़ अ गुड फिल्म ऑन टीवी टुनाइट, एक अच्छी फिल्म आ रही है टीवी पर, ये कहता है हैव यू गॉट एनी मनी, क्या तुम्हारे पास बिल्कुल कुछ पैसे हैं, बी कहता है यस देर इज़ सम मनी माई बैग, हाँ मेरे बैग में कुछ हैं, ठीक है ना। तो आप इसे पढ़ लेना, आप जो रिपीट करोगे तो आप अपने आप ही समझ में आ जाएगा, और यहाँ पर आप देर इसमें ये दे रखा है इसके अंदर देर इज और इट इज़ का प्रयोग, देर का प्रयोग तो इसलिए होता है कि कहीं पर जब कोई चीज़ बताते हैं, और इट का होता है किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए, जब जैसे बुक वगैरह है जब उसका दोबारा नाम लेंगे तो इट लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इट लगाएंगे। देखो जैसे देर का प्रयोग तो होता है कहीं पर कोई चीज़ है, जैसे टेबल पर एक किताब रखी है, टेबल पर एक किताब रखी तो आपने देर का इस्तेमाल करोगे, देर अब एक किताब है तो इसे लगेगा ना, एक किताब है तो इसे लगेगा, देर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, देर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, इट का प्रयोग नहीं करेंगे, जब किताब को कहेंगे कि ये मेरी किताब है, दिस इज़ माई बुक, इट्स वेरी गुड, ओके, तो आप कहेंगे। तो यहाँ पर कहीं पर देर का प्रयोग किस लिए होता है, कहीं पर कोई चीज़ होना बताने के लिए, कहीं पर कोई चीज़ है, देर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, देर इज़ अ बुक, ए बुक आ बुक है तो इज लग गया, और बहुत सारी किताब होती तो जो तो एक से ज़्यादा होती तो आर लगा देते, क्या लगा देते, आर, ध्यान रहेगा। तो देर का प्रयोग क्या होता है, कहाँ पर होता है, ये चीज़ बताने के लिए, ये बात बताने के लिए कि कहीं पर कोई चीज़ है, देर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, देर इज़ अ बुक ऑन द टेबल, टेबल पर किताब रखी है। अच्छा इट इज़, देखो आई लाइक दिस बुक, इट किसी वस्तु के लिए लगता है, किसी चीज़ के लिए लगता है, आई लाइक दिस बुक, मेरे को ये बुक पसंद है, जब मैं इस बुक का इस्तेमाल दोबारा करूँगा तो इट का प्रयोग होगा, ठीक है। इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स इंटरेस्टिंग, ये बहुत इंटरेस्टिंग है, जैसे वाली किताब इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आई लाइक दिस बुक, ये किताब मेरे को बहुत पसंद, मतलब मेरे को किताब अच्छी लगती है वाली, इट्स इंटरेस्टिंग, इट्स इंटरेस्टिंग, यानी कि जब इस बुक का इस्तेमाल हुआ तो इट्स इंटरेस्टिंग, ओके। अच्छा देखो यहाँ पर आप जो है इट में और यहाँ पर अंतर देखो, व्हाट इज़ दैट, व्हाट्स दैट नॉइज, इज आइए ये अगर पूरी फॉर्म बोलते तो क्या बोलते, व्हाट इज़ दैट नॉइज, व्हाट इज़ दैट नॉइज, What is that? What is that noise? तो लेकिन आप क्या वो शोर कैसा है, तो आप कहते हैं What's that noise? What's that noise? What's that noise? What's that noise? What's that? What's that noise? वो शोर कैसा है, कैसा है, इट्स अ ट्रेन, अबे एक ट्रेन जा रही है भाई, इट्स अ ट्रेन, इट्स अ ट्रेन। अच्छा देर इज अ ट्रेन एट 10:30, और देर का प्रयोग यहाँ पर तो आप ट्रेन के लिए इस्तेमाल बता रहा हूँ, वो ट्रेन है यारे, लेकिन देर का प्रयोग यहाँ पर क्या पड़ रहा है, कोई मतलब कि टाइम टेबल बताने के लिए 10:30 बजे एक ट्रेन है, देर का प्रयोग क्या किस लिए करते हैं, टाइम टेबल वगैरह में, आपके शेड्यूल में, या फिर कहीं पर कोई चीज़ है, ठीक है, तो देर का प्रयोग करते हैं। देर इज अ ट्रेन एट 10:30, 10:30 बजे एक ट्रेन है, देर इज अ ट्रेन एट 10:30, 10:30 बजे एक ट्रेन है, इट्स अ फास्ट ट्रेन, अब ये ट्रेन के लिए इट लग गया, ये एक फास्ट ट्रेन है। देर इज अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन दिस सूप, There is a lot of salt in this soup. इस सूप में बहुत नमक है, देर इज़ अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन दिस सूप, ठीक है, देर इज़ अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन दिस सूप, देर इज़ अ लॉट ऑफ सॉल्ट इन दिस सूप, इस सूप में बहुत नमक है, बहुत नमक है, देर इज अनकाउंटेबल नंबर, तो इसे लग गया, अगर एक से ज़्यादा होता तो क्या लगता, आर, जैसे मैं कहूँ कि टेबल पर बहुत सारी किताबें, देर आर अ लॉट ऑफ बुक्स ऑन द टेबल, टेबल पर बहुत सारी किताबें हैं। अच्छा आई डोंट लाइक दिस सूप, मेरे को ये सूप पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस सूप, मेरे को ये सूप पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस सूप, मेरे को ये सूप पसंद नहीं है, इट्स टू सॉल्टी, इसे बहुत नमक पड़ा है, इट्स टू सॉल्ट, तो दिस सूप के लिए इट लग गया, जब किसी चीज़ का दोबारा जिक्र करते हैं किसी वस्तु का तो इट का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। आई डोंट लाइक दिस सूप, मेरे को ये सूप पसंद नहीं है, मेरे को पसंद नहीं आ रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, इट्स टू सॉल्टी, इसके दो मतलब नहीं, आई डोंट लाइक दिस सूप, मेरे को सूप पसंद नहीं है, आई डोंट लाइक दिस सूप, मेरे को ये सूप पसंद नहीं आ रहा, मेरे को अच्छा नहीं लग रहा, ठीक है ना, इट्स टू सॉल्टी, ये सारे मतलब निकल रहे हैं, इट्स टू सॉल्टी, इसमें बहुत नमक है। तो मेरे प्यारे बच्चों ये पढ़ लेना, किताब ले लेना, किताब ले लेना, किताब ले लेना।
लेना ये एशियन इंग्लिश ग्रामर पढ़ो, और आपकी इंग्लिश सीखने की प्रॉब्लम के बीच में और आपके बीच में मैं खड़ा हूँ, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होने दूंगा, ये मेरा वादा रहा। मैं आपको इंग्लिश सिखा कर तो मिलूंगा, गाँव के हर एक बच्चे को जिसे टीचर का भी नसीब भी नहीं हुआ, जिसके टीचर ने उसे गलत सलत पढ़ाया, ओके, और इवन शहरों में भी मैं आपको जो भी पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल सही होगा। ओके, थैंक यू, प्लीज़ शेयर कर देना, शेयर कर देना इसे, प्लीज़ तुम्हें विद्या रानी का समय। ओके, हाँ देखो, तुम्हारे शेयर करने से मेरे को सब्सक्राइबर मिलेंगे, इससे मेरा खून बढ़ेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।